हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए फिल्म बधाई हो का रिव्यू। बधाई हो के जितने किरदार आप प्रोमो में फोटोज़ में देख रहे हैं सामने, आयुष्मान खुराना, गजराज राव, सान्या मल्होत्रा और नीना गुप्ता, शीबा चड्ढा भी, इसके अलावा इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में जिनका योगदान, मैं उनके नाम बता देता हूँ। डायरेक्टर हैं अमित रविन्द्रनाथ शर्मा, इसके तीन तीन राइटर हैं जिन्होंने डायलॉग्स भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है। शांतनु श्रीवास्तव कहानी उनकी है, डायलॉग्स अक्षत गिल्डियाल और ज्योति कपूर भी इसकी राइटिंग टीम से जुड़ी हैं। इसके अलावा तनिष्क बागची के दो गानों में म्यूज़िक है, दो गाने वायु कपूर ने लिखे हैं। तो ऐसे में फिल्म जब इतनी एंटरटेनिंग बनी है, मैं आपको पहले से बता दूं, फिल्म एंटरटेनिंग बनी है, फैमिली ऑडियंस के लिए बनी है और बहुत मज़ा आता है फिल्म को देखने में। कहानी आपको ऑलरेडी पता है, कैसे दो यंग लड़के हैं, एक आयुष्मान खुराना रोल किया और एक उनका 10th क्लास में पढ़ने वाला भाई आयुष्मान एक कंपनी में जॉब करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनके टीटी पिता जो हफ्ते में एक दिन आते हैं, अपनी उनकी जो माँ है नीना गुप्ता जो बाकी टाइम केवल किटी पार्टीज में व्यस्त रहती हैं, उनकी खबर मिलती है कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। जब सान्या मल्होत्रा से खुद अफेयर चला रहे होते हैं और शादी की सोच रहे होते हैं आयुष्मान खुराना, ऐसे उन्हें खबर मिलती है कि उनका एक भाई आने वाला है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है और आखिर तक परिवार इस बात को कैसे पचा पाता है, दोस्त कितने मजाक उड़ाते हैं, रिश्तेदार कितना मजा लेते हैं और कैसे फैमिली इस सच को स्वीकारती है, और इसके जरिए इस खबर की वजह से कैसे आयुष्मान खुराना की लव लाइफ में पेच आता है, वो इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में कहीं कोई विलेन नहीं है, परिस्थितियां विलेन हैं, उनके रिएक्शंस विलेन हैं, और कैसे फन म्यूज़िक और फन डायलॉग्स के जरिए एक 2 घंटे के करीब एंटरटेनिंग मूवी बनाई गई, आपको वाकई में मज़ा आएगा। और मैंने पहले ही उनके नाम बता दिए कि इस फिल्म के लिए जो अच्छे डायलॉग्स लिखे, अच्छे सिचुएशन सोची, उनको फिल्माया और 3-4 गाने भी बड़े अच्छे बन पड़े, ऐसे में आपको मज़ा आएगा। 3 इडियट जैसी मज़ेदार फिल्म बनाने की कोशिश तो नहीं हो पाई, लेकिन एक अच्छा वीकेंड काटने के लिए, स्पेशली जब आप त्यौहार मना रहे हैं, तो आपको वाकई इस फिल्म में मज़ा आएगा। नेचुरली बाप बेटे जो भी हैं वो अलग अलग देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में अगर आपके पास समय है तो ये पैसा वसूल फिल्म है आपके लिए। आयुष्मान खुराना लगातार एक जैसी फिल्मों में बिना हीरोइक यानी सुपर पावर वाले हीरो के बिना भी अच्छे किरदार करते आए हैं। और सान्या मल्होत्रा की मैं एक्टिंग की बात करूं तो उन्हें एक्टिंग में करने के लिए पहली बार उन्हें इस फिल्म में ग्लैमरस दिखना था, इससे पहले दंगल और पटाखा में उनके लिए एक्टिंग के चांस थे लेकिन प्रैटी दिखने के चांस नहीं थे, जो इसमें मौका मिला एक्टिंग का ज़्यादा चांस नहीं मिला। लेकिन बाकी नीना गुप्ता, गजराज राव खास तौर पर बिना डायलॉग बोले भी वो अपने एक्सप्रेशंस के जरिए आपको हंसा सकते हैं और वो उन्होंने दिखाया। सुरेखा सीकरी दादी माँ के रोल में है, ज़बरदस्त हैं वो हमेशा की तरह, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस फिल्म में। हमारी तरफ से इस फिल्म के लिए 3 स्टार। थैंक यू, नमस्कार।